क्या किया जाए। आफत ही कुछ ऐसी टूटी है जिसकी दस्तक ने पूरा परिवार हिलाकर रख दिया। पल भर में इस परिवार की खुशियां काफुर हो गई। कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मातम, मायूसी और दर्द। अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर पड़ा शव मोनिका का है, उसी मोनिका का जिसका परिवार बिलख रहा है। एक माँ टूट चुकी है, एक बहन अपनी बहन की मौत पर आंसू बहा रही है। मोनिका की मौत की वजह आम की जाए, पहले जरा उसकी बहन के ये अल्फाज सुनिए। मोनिका, आपकी क्या लग रही है? मेरी बहन सबसे छोटी, ये 11 बजे की मेरी बहन छोड़ने के लिए जा रही थी मम्मा जी के वहाँ मेरी माँ के पास, उन्होंने रास्ते में गला घोट के मार दी। विजय पाल त्यागी और दूसरी अंत त्यागी, हाँ जी, उन्होंने पहले मेरे साथ हुआ था उनके साथ, लेकिन मैंने रपट कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं होने। सुना क्या कहा मोनिका की बहन शालू ने? उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कत्ल का इल्जाम गांव के दबंग विजय त्यागी और दुष्यंत त्यागी पर लगा है, जिन्होंने कभी मृतक मोनिका की बहन शालू के साथ भी मनमानी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहने पर देख लेने की धमकी भी दी गई थी। शालू और उसके परिवार ने पुलिस में दोनों दबंगों के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही का खामियाजा मोनिका की मौत बनकर सामने आया। घर वालों का इल्जाम, रंजिश की खातिर दबंगों ने दी वारदात अंजाम। रेप के बाद लड़की की गला दबाकर हत्या। खेत गई मोनिका का कत्ल कर लाश गाड़ दी गई। जांच में सामने आया है लड़की का मर्डर हुआ है और मैं ठीक से देख लिया है और मुलजिम भी मेरे प्रकाश में आ गए हैं। 24 घंटे के अंदर इसका बिल्कुल पर्दाफाश भी होगा और मुलजिम भी मेरी गिरफ्त में होगा। बलात्कार की फिलहाल सरदर्द तो मुझे नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ शाम तक क्लियर हो जाएगा। शाम को पीएम रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, डेड बॉडी में भिजवा दिया हूँ, अग्रिम कार्रवाई चल रही है। देवबंद की इस वारदात ने हड़कंप मचा रखा है। हत्या से पहले मोनिका के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी। पुलिस पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, लेकिन घरवाले विजय और दुष्यंत पर बलात्कार के बाद हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखना है कि मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हकीकत बयां करती है और पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाती है। फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। वाकई सहारनपुर वारदातों का शहर बन गया है, रोजाना दी जा रही है घिनौनी करतूत अंजाम। सहारनपुर का ही ये वाक्या पुलिस की साख पर बट्टा लगा रहा है, यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है। 6 साल की एक मासूम की हत्या कर दी गई, लेकिन कत्ल से पहले बलात्कार की बात भी कही जा रही है। तारीख 19 नवंबर 2012, दिन सोमवार, जिला सहारनपुर, थाना गागलहेड़ी। सुबह 10 बजे पुलिस को इत्तला दी गई कि 6 साल की एक मासूम घर से लापता है। घर वाले एक रात पहले से बच्ची की तलाश में खाक छान रहे थे। बच्ची का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था।
पूरा गांव सन्न था कि आखिर बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त अचानक कहां गायब हो गई। कल दोपहर 2 बजे तक मैं वो आ 2 बजे आने का मैंने खाना खाया, मेरे साथ खाना खाया उसने। फिर मैं थोड़ा आराम करके जब उठा तो लड़की, मैं सोचा मैं भाई खेलने जा रही होगी बाहर कहीं को, 4 बजे ऐसा उसकी मतलब ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। और 4 बजे ऐसा ढूंढते बस ये टाइम आएगा जी, फिर उसकी लाइट बोलते ही मिली ने। मैं गाड़ी सारे 10 बजे करवाई थी जाए थाने मुझे जी सुबह जी। बाद में कोई पुलिस वाला आया यहाँ ना जी? कोई पुलिस वाला नहीं आया। पुलिस किस वक्त आई? 3-4 बजे। गांव का हर शख्स बच्ची की तलाश कर रहा था। पुलिस का वही रवैया, वक्त पर कोई कार्रवाई की जहमत नहीं उठाती। परिवार परेशान था और उनकी परेशानी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बच्ची का शव एक खेत से बरामद किया गया। कोहराम मच गया। तारीख 20 नवंबर 2012 दिन मंगलवार दोपहर के 2 बजे बच्ची का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस फिर भी नहीं पहुंची। बच्ची की लाश मिलने के 2 घंटे बाद पुलिस की नींद टूटी। बच्ची 6 साल की है, उसकी डेड बॉडी मिली है गन्ने खेत में और उसको लाश को पंजाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तंदावेदी कार्रवाई की जाएगी। ये कल शाम को 4 बजे से लापता थी, इनके पिता ने जी बताया कि शाम को 4 बजे से लापता थी। आज सुबह इन्होंने 11:30-12 बजे के थाने पे भी सूचना दी है, बताया आज सुबह 11:30-12 बजे और इसकी डेड बॉडी के 2 बजे करीब इन्होंने देखा है यहाँ पे। ग्रामीण आशंका जता रहे हैं कि बच्ची के साथ में बला, इसके पीएम के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। जिस जगह से बच्ची की लाश बरामद की गई थी पुलिस उसका मुआयना करने में जुटी है। महज एक खाना पूर्ति। घर वालों का कहना है कि बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या की गई है। यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं आया, जैसे इंक्वायरी के लिए आते हैं ना कि भाई यहाँ पे पता लगा कि नहीं लगा कुछ तो इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो कभी नहीं गई इन्होंने। बच्ची की बॉडी किस वक्त मिली? बच्चे की बॉडी 2 बजे मिली सर। पुलिस किस वक्त आई? पुलिस 4 बजे आई। बॉडी कहाँ पे मिली और किन हालात? बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, सिर्फ तन पे बलियान था और गले में जो उसकी पैंट थी ना वो बंधी हुई थी। किस जगह से मिली बॉडी? बॉडी के बीच में मिली। क्या आशंका है? गन्ने के खेत में मिली है। क्या आशंका है? आशंका तो यही है बस सर, उसका बहुत बुरा हाल था, उसके साथ रेप भी हुआ है और वैसे भी वहाँ पे ब्लेड वगैरह भी मिली हुई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि पता लग पाए कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है या नहीं। घरवालों की तहरीर पर मुकदमा लिखकर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन एक सवाल, कैसे सुधरेगी सहारनपुर की कानून व्यवस्था? क्या कर रही है पुलिस? कब टूटेगी ये नींद? फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। खबर मथुरा से जुड़ी है, यकीनन आपका दिल दहला कर रख देगी, एक बारगी आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। एक पति पर खून इस कदर सवार हुआ कि फिर पत्नी हो बेटी हो किसी को भी नहीं बख्शा। दाग दी सनकपन की गोलियां और फिर जब ये गुबाल छटा तो फिर बेटियां दम तोड़ चुकी थी और पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के बेड पर जिंदगी के लिए मौत से संघर्ष कर रही इस महिला का नाम सोनवीरी है। सोनवीरी मथुरा के थाना नगला दीपा इलाके की रहने वाली है। फिलहाल इसकी हालत बेहद नाजुक है, पता नहीं डॉक्टर्स इसकी जिंदगी बचा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी जिंदा है तो एक गम इसकी आंखों से साफ झलक रहा है। बस
फूट फूट कर रो ही नहीं पा रही है। सोनवीरी किस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद इसका सुहाग है। रिटायर्ड फौजी महेश चंद, शायद आप यकीन कर पाए या नहीं, लेकिन महेश चंद्र की एक सनक ने पूरा परिवार खत्म कर डाला। अब जरा ये मंजर भी देखिए, एक लाश, दो लाश, तीन लाश, तीनों शव महेश चंद्र की बेटियों के हैं और इनका कातिल महेश ही है। ऐसा भैया, हमारे यहाँ देवी का जागरण था 24 तारीख का, तो हम तो सामान लेने की राय आ गई। पीछे से हमारे फोन आया कि महेश ने अपने बच्चों में गोली मार दी, तो बच्चे हाँ तीन लड़कियां में मौत हो गई और उसकी बीवी घायल है। अच्छा, तो ये महेश आपका बेटा? हाँ, महेश हमारा लड़का है। क्या करता है? ये रिटायर्ड फौजी है। तो किस बात को लेकर गोली मारी? ये बात का हमें कोई पता नहीं, इसका दूसरे का। हम सुबह आके, ये लड़की बीमार थी, इसको दवाई दिला के मिला, लाल तू दवाई दिला, और हम जो है मिला सौ दाल सा तोड़ लिया, हम बाजार को आ गए। पीछे क्या इसके दिमाग में चढ़ा ये तो भगवान ही जाने। सुना क्या कहा इन्होंने, रिटायर्ड फौजी महेश और इनके बेटे ने अपनी बेटियों और पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी लाइसेंसी राइफल से सनक की गोलियां दाग दी। तीन बेटियों ने दम तोड़ा, पत्नी अस्पताल में भर्ती, इलाके में मचा कोहराम, परिवार के लोग सन। घर वालों का कहना है कि महेश की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। सोनवीरी महेश की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से तलाक लिए बिना महेश ने सोनवीरी को अपना बनाया था, लेकिन महेश जिंदगी से खुश नहीं था, जिस वजह से उसने ये वारदात अंजाम दी है। पत्नी से तुम्हारे इस बेटा कोई विवाद चल रहा था? हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा। पहली पत्नी? नहीं, पत्नी वो तो पहला मुकदमा चला है, इसने सोचा हुआ 10-12 साल हो गए, जीवन लाइफ खत्म कर, सारी दिमाग की टेंशन हो गया। पहली पत्नी से विवाद चल रहा था? हाँ। अब ये जो तीन बच्चियों की मौत होगी, पत्नी उनकी घायल है? हाँ। तो कोई कारण आपका इसमें? मुझे तो ऐसे कोई पता नहीं बेटा। लाइसेंस बंदूक से गोली मारी? हाँ, बस बंदूक से गोली मारी। रिटायर्ड फौजी महेश की इस करतूत से पूरा इलाका सन है। इलाके के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एक पति और तीन बेटियों का पिता ये कदम भी उठा सकता है। इलाके में सनसनी फैली है। ये वारदात एक शख्स की मानसिक परेशानी की वजह से जन्मे पागलपन का परिणाम है या फिर कोई साजिश अभी साफ नहीं है। महेश पुलिस की गिरफ्त में है, साथ ही पुलिस की तहकीकात जारी है। अनूप शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल की खौफनाक दास्तान। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 260,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। क्या इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली।
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या?